तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आज क्या मैसेज है। यूनिवर्स की भी गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स की भी क्या गाइडेंस है। देखते हैं आपके पर्सन का क्या मैसेज आता है आपके लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस आई है। देखिए, इन्वेस्टिगेट व्हाट ट्रिगर्स यू, योर ट्रिगर। यहाँ पे इस मैसेज के थ्रू यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको कौन सी ऐसी बातें जो ट्रिगर कर रही है इस वक्त, वो आपको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, वो आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ओके, और जो इस वक्त आपको ट्रिगर कर रहा है ना, वो ही आपको यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। वो हीलिंग के लिए सरफेस पर आ रहा है, तो आपको वो जो भी आप चेक करिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है, तो वो आपको हीलिंग करनी है वहाँ पे उसकी। और नहीं कर पाते हैं तो यूनिवर्स को कहिए कि आपको नहीं पता है किस तरीके से हीलिंग करनी है, आप ही कर दीजिए मेरी इस इशू का को हील। नेक्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, आई डोंट एवर वॉन्ट टू लीव, आई रियली कांट वेट फॉर द डे टू कम, माई फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज यू। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को चाहते हैं। आप अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपको कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी यूनाइट होना चाहते हैं, और इस चीज़ उस दिन के लिए वो और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का ही है, आई हैव सो मच पैशन एंड डिज़ायर्स फॉर यू, इट ड्राइव्स मी मैड। आपके पर्सन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं, बस इतना ज़्यादा वो पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। और साथ उनकी देखिए नेक्स्ट मैसेज यही है, योर सोल्स नो ईच अदर फ्रॉम प्रीवियस लाइफ टाइम्स। तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ये इस बात का कन्फर्मेशन है। और आपके पर्सन भी इस चीज़ को पूरी तरीके से रियलाइज़ कर चुके हैं, यूनिवर्स ने उन्हें ये रियलाइज़ करवा दिया है बहुत अच्छे से कि आप उनके सोल कनेक्शन हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं और आप इस जर्नी में हैं, एंड यू हैव बीन विद दिस पर्सन टुगेदर बिफोर। आपके पर्सन को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप उनके काउंटर पार्ट हैं और आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। उनको अब जो रनर चेजर वाला मोड था ना, वो अब ख़त्म होगा यहाँ पे, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है, वेन द टाइम इज़ राइट आई विल बी विद यू। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि जब सही समय होगा, आई विल बी विद यू, प्लीज़ वेट फॉर मी, ऑल विल बी ब्रॉट टुगेदर इन डिवाइन टाइमिंग। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप गिव अप मत करिए, वेट करिए, सही समय आने पर वो आप डिवाइन टाइम आने पर आप दोनों यूनाइट ज़रूर होंगे। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ वेट फॉर मी, तो आप वेट करिए, उनके गिव अप मत करिए, है ना। हेल्प इज़ ऑन द वे, इस कनेक्शन के लिए हेल्प जो है यूनिवर्स खुद हेल्प लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्स खुद काम कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। तो आप गिव अप ना करें, क्योंकि आपके पर्सन ने भी आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो बिलीव योर प्रेयर्स हैव पावर, योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो देखिए, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आप दोनों ही, आपको और आपके पर्सन दोनों को ही कह रहे हैं कि अपनी प्रेयर्स में विश्वास रखिए, जो आपने मांगा है आपको ज़रूर मिलेगा, सही समय आने पर आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी प्रेयर्स पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, सही समय आने पर आप ज़रूर यूनाइट होंगे। नेवर फोर्स एनीथिंग, जस्ट लेट इट बी, इट इफ़ इट मीन्स टू बी इट विल बी। ओके, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ज़्यादा ज़्यादा सोच ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें और डेस्परेट ना हो, जो चीज़ आपकी है वो आप ही की रहेगी ना, वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए, जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, और आपका यूनियन होना ही होना है। तो डेस्परेट ना हो कि कब होगा मेरा यूनियन, कब मेरे पर्सन आएंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं, इस तरीके से आपको डेस्परेट नहीं होना है। डेस्परेशन भी एक ब्लॉकेज का ही काम करता है। लेट द लाइट ऑफ योर हर्ट बी योर गाइड इन लाइफ। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अपने इंट्यूशन की सुनिए, आप अपने मन की सुनिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है इस कनेक्शन के लिए। वो जो आपकी अंतरात्मा कहती है, वही ईश्वर की आवाज़ है। कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको जानने के लिए कि इस कनेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। योर हर्ट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू डिवाइन लव, क्योंकि आपका, आप ईश्वर के भक्त हैं, आप ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, और आप डायरेक्टली ईश्वर से कनेक्टेड हैं। तो आपके अंतरात्मा जो कह रही है ना आपके कनेक्शन के लिए, वही आपका जवाब है, वही यूनिवर्स का जवाब है। आपके पर्सन का मैसेज है, देखिए आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, आई कांट एक्सप्लेन हाउ द वे माई हर्ट इज़ राइट नाउ,
बट आई नो दैट आई मिस यू मोर देन यू कैन इमेजिन। आपकी पर्सन आपको, अगर आप सेपरेशन में है ना, नो कॉन्टेक्ट में है, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो आपकी पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस सेपरेशन से, और वो कहना चाहते हैं कि आई कांट एक्सप्लेन हाउ द वे माई हर्ट इज़ राइट नाउ। वो इस इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके इस सेपरेशन से कि वो नहीं समझ पा रहे कि आपको किस तरीके से बताएं कि वो आपको मिस करते हैं, सिर्फ आप ही के लिए सोचते हैं दिन भर 24/7, सिर्फ आप ही चलते हैं उनके माइंड में, और वो इस बात को कह भी नहीं पा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, कुछ बंधन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आपको कह रहे हैं कि बट आई नो दैट आई मिस यू मोर देन यू कैन इमेजिन। तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट देखते हैं, योर जॉब इज़ टू फिल योर ओन कप सो इट ओवरफ्लोज, देन यू कैन सर्व अदर्स जॉयफुली फ्रॉम योर सॉसर। ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, अपनी वर्थ को जानिए, दूसरों के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर तो आप तभी दे पाएंगे ना, अपने पर्सन को आप तभी दे पाएंगे जब आप खुद फुलफिल होंगे। जब आप खुद ही डीमोटिवेट रहेंगे, खुद ही लो एनर्जी में जाएंगे, तो आप अपने पर्सन को एनर्जी कैसे देंगे, उन्हें कैसे हील करेंगे? जबकि डिवाइन मस्कुलाइन तो डिवाइन फेमिनाइन पर ही डिपेंड होते हैं एनर्जी के लिए, तो पहले अपने आप को हील कीजिए। ओके, डिवाइन फेमिनेंस ये आपके लिए मैसेज है, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लेकर आए, ताकि आपके पर्सन भी हाई वाइब्रेशंस में रहे। रेस्ट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द एक्टिविटी बट द प्रेजेंस ऑफ पीस। तो यहाँ पे थोड़ा आपको रेस्ट लेने के लिए भी कहा जा रहा है व्यूअर्स, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों को अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, बाकी सब बाद में है, पहले सेल्फ लव कीजिए, खुद को क्या अच्छा लगता है वो करना शुरू कीजिए। दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू आर कनेक्टेड विथ ईच अदर ऑन एस्ट्रल लेवल। देखिए यूनिवर्स आपको खुद कह रहे हैं, यूनिवर्स और आपके पर्सन आपको ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि वो जान चुके हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप एस्ट्रल लेवल पर, आप 5D में कनेक्टेड हैं उनसे पूरी तरीके से। ओके, वो आपकी फीलिंग्स और आप उनकी फीलिंग्स पूरी तरीके से एक दूसरे की तरफ पहुंच रही है। दिस कनेक्शन विल हेल्प टू राइज द वाइब्रेशन ऑन अर्थ। और यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है ना, आप यूनाइट होकर के मदर अर्थ को सर्व करने वाले हैं। ये आपका सबसे बड़ा सोल पर्पस है, मदर अर्थ को सर्व करना। किस तरीके से करेंगे वो आने वाले समय में यूनिवर्स ही आपको बताएंगे, लेकिन ये बात श्योर है कि जब आप यहाँ पे मदर अर्थ को दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका यूनियन होना ही होना है। ये इस बात का कन्फर्मेशन है कि आपका यूनियन होना ही होना है। जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, तो आपका यूनियन होना ही होना है, ये कन्फर्मेशन है इस बात का यूनिवर्स की तरफ से। एंड यू विल क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स टुगेदर, क्योंकि आप दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व करने वाले हैं। तो जब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर तो तभी कर पाएंगे जब यूनाइट होंगे, तो यूनियन तो होना ही होना है। जिस तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया, उस तरीके का यूनियन होगा। एवरीथिंग, देखिए नेक्स्ट कनेक्टेड मैसेज आया है, एवरीथिंग विल हैपन फॉर यू ऑल ऑफ ए सडन एंड यू विल बी थैंकफुल यू डिडंट गिव अप। सब कुछ अचानक से होगा, हो सकता है आप अभी इस वक्त गिव अप कर रहे हो, आपको कोई होप ही ना हो इस कनेक्शन के लिए, और आप सिर्फ चल रहे हैं इस जर्नी में होपलेस होकर के कि जब जो होगा इस तरीके से एनर्जी में आप होंगे, गिव अप कर रहे होंगे। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं सब कुछ अचानक से होगा, मैजिक की तरह होगा, क्योंकि मैजिक अचानक से ही होता है ना, मैजिक हमें बोलकर थोड़ी होता है, मैजिक मतलब जो सडनली हो जाए एकदम से। तो इस तरीके का मैजिकल आपकी लाइफ में होगा, आपके कनेक्शन में होगा। आप उस टाइम थैंकफुल होंगे कि आपने इस कनेक्शन पर पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया, आप सरेंडर करके आगे बढ़ते रहे इस जर्नी में। ओके व्यूअर्स, तो ये थे आज के आपके पर्सन के, आपके यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, कार्ड रीडिंग। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।